मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रेसिपी को। ठंड का मौसम आते ही मार्केट में मेथी बहुत अच्छी आने लगती है दोस्तों। मेथी के पराठे हो चाहे मेथी की सब्ज़ी हो, सबको मेथी बहुत पसंद होती है। परंतु मेथी को साफ़ करना बहुत ही कठिन काम है। आप देख रहे हैं ये इतनी सारी मेथी, ऐसा लग रहा है ये कैसे साफ़ होगी। अगर मैं एक एक इसकी डंडी निकालती रहूँगी और इसे तोड़ती रहूँगी तो शायद मुझे आधा से एक घंटा भी लग जाएगा। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी की भाजी को साफ़ करने का। तो बस जो मेथी की डंठल है, जो इसके रूट का हिस्सा है दोस्तों, उसे मैंने आगे की तरफ रखा है, आप देख सकते हैं। और जहाँ से इसे बांधा गया है, मेथी की इस गड्डी को जिस रबर बैंड की सहायता से बांधा गया है, बस वहाँ से मैं इसकी जड़ को काटना शुरू कर रही हूँ। इसकी जड़ या इसका जो स्टेम होता है दोस्तों, इसमें कोई खास पत्तियाँ नहीं होती। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी सारी मैंने ऊपर ऊपर की जड़ काटी है। मुश्किल से इसमें 6 से 7 पत्ते हैं और वो भी बिल्कुल गले हुए और पीले पड़ गए हैं। तो बस अब मैं इसी तरह से इस गड्डी की पूरी जड़ को काट लूंगी। आप चाहें तो कैंची की मदद से काटें, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा वाला चाकू ले लें ताकि तुरंत ही कट जाए, नहीं तो छोटे चाकू से भी आप इसे काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से मैंने मात्र कुछ सेकंड में ही मैंने इतनी गड्डी के पूरे पीछे के हिस्से को अलग कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पूरा कटोरा भर गया है ये बड़ा वाला, जिसमें सिर्फ इसकी जड़ें हैं और जिस इसमें आप पत्तियां देख रहे हैं, 4-5 पत्तियां भी नहीं हैं, वो भी बिल्कुल गली हुई पत्तियां हैं। तो दोस्तों, अब हमें इस बंच को साफ़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको एक एक पत्तियाँ मैं ऐसे दिखा रही हूँ दोस्तों, बहुत कम इसमें डंडियाँ बची हुई हैं। और जो डंडियाँ हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने ऐसे इस तरह से पकड़ा और खींचा तो पूरी डंडियाँ भी निकल गई, सिर्फ ऊपर ऊपर है। आप इसके गड्डी को बिखरने ना दें, यदि गड्डी बिखर जाएगी तो हमें साफ़ करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये देखिए, मेथी का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हाथ में उठाती जा रही हूँ और पीछे पीछे जहाँ मुझे थोड़ी मोटी डंडियाँ दिख रही हैं हाथों से, ये देखिए थोड़ा सा मैंने हाथों से इसे मोड़ा और तोड़कर अलग कर दिया है। आप खुद देख सकते हैं, अभी तक के मैंने वीडियो को बंद नहीं किया है, कितने आसानी से मैं मेथी की पीछे की जो थोड़ी डंडियाँ हैं, थोड़ी जो मोटी हैं, उन्हें तोड़ रही हूँ। ये देखिए, इसे तोड़ा मैंने, अलग किया और साफ साफ पत्तियों को इस प्लास्टिक की बास्केट में डालती जा रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप मेथी साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। साथ साथ में चेक करती भी जा रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कोई गली पत्ती हो। कई बार हमारी भाजियों के साथ घास के तिनके आ जाते हैं, मिट्टी आ जाती है, या फिर कोई दूसरी सब्जी जो कि खाने के लायक नहीं होती, वो भी उसकी भी पत्तियाँ मिक्स हो जाती हैं। तो ये देखिए कितना आसान है दोस्तों, इसके जो थोड़ी सी मोटी भी डंडी उसे भी मैंने अलग कर लिया है और उन डंडियों को भी मैं जड़ वाले डब्बे में डालती जा रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपको मेथी की गड्डियों को उठाते जाना है और जो नीचे नीचे उसकी जो थोड़ी सी मोटी डंडियाँ हैं उसे आप हाथों से मोड़ें और फिर तोड़ दें और आपको मिलेंगी सिर्फ मेथी की पत्तियाँ। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों, हम हाथों से मोड़ते जा रहे हैं और डंडियों को तोड़ते जा रहे हैं। साथ साथ में मेथी में यदि कुछ कचरा भी दिखा है मुझे, उसे भी मैंने अलग कर लिया है। इस काम को करने में मुझे कुछ मिनट का ही टाइम लगा है। तो दोस्तों, यदि आप मेथी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एयर टाइट, जो भी आपके पास अच्छा पॉलीथिन हो दोस्तों, जिप लॉक का हो तब तो बहुत अच्छा है, और यदि जिप लॉक का नहीं है तो आपको लेना बिल्कुल साफ़ सुथरा सूखा पॉलीथिन लेना है। उसमें मेथी की पत्तियों को आप बिल्कुल डाल दें, हो सके तो बिल्कुल भी हवा निकाल दें, क्योंकि हरी भाजियों के ख़राब होने का कारण है मॉइस्चर और एयर। एयर जाती है तो हरी भाजियाँ ख़राब होती हैं, या फिर नमी रहती है तो भी हरी भाजियाँ सड़ने लगती हैं। अब आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं लंबे समय तक के। दूसरा तरीका है, आपको लेना है न्यूज़पेपर और मेथी की थोड़ी थोड़ी सी गड्डियों को लेते जाना है। मेरे पास तो खैर बहुत ज़्यादा मेथी है अभी, तो एक बार मैंने इतना लिया, फिर से मैंने दूसरी गड्डी रख दी है। खैर अब तो पत्तियां हमने तोड़ ली है, तो इस तरह से ताकि जब आपको काम हो तो एक बार में आप एक ही गड्डी को निकालें और सभी मेथी में फिर से हवा लगने ना पाए। तो बस न्यूज़पेपर में रखने से हम मेथी को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और इसे हमें ऐसे ही फ्रीज में नहीं रखना है, नहीं तो हमारा पेपर गीला हो जाएगा। मैंने एक एयर टाइट डब्बा ले लिया है और उसमें मेथी के पैकेट्स को बस इसी तरह से अरेंज करती जाऊंगी। जिस तरह से मैंने एक पैकेट किया है, वैसे 3-4 पैकेट अलग अलग कर लूंगी। जब जितनी ज़रूरत है उतनी मेथी आप निकालें और काम में लें। तो दोस्तों, रेसिपी
अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।